आपके प्रीवियस क्लास में जो चीज़ें पढ़ी थी मेरे प्यारे दोस्तों, देखा था कि आपके लॉयर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा ये हम आपका अपनी प्रीवियस क्लास में कवर किया था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इससे आपके कुछ क्वेश्चन आपके और भी बनते हैं। किस प्रकार से आप सकता है कि भाई आपका सबसे उत्तम किस्म का लोहा कौन सा है, लौह अयस्क कौन सा है ना। तो अब आपको सबसे उत्तम आपका किस्म की अगर हम बात करें तो जिसमें सबसे ज्यादा लोहा होगा वो आपका क्या कहलाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तम किस्म का। यहाँ 70 है पर 78 है, सकते हैं ये जो है दोस्तों आपका क्या होगा, सबसे उत्तम किस्म का लौह अयस्क होगा या नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे उत्तम किस्म का आपका लौह अयस्क जो होता है वो आपका कौन सा होता है दोस्तों, आपका मैग्नेटाइट, क्योंकि इसमें आपके लोहे की मात्रा सबसे ज्यादा है भाई। जो ज्यादा मात्रा होगी तो आपका उत्तम होगा ही। लेकिन दोस्तों अगर इसको इस प्रकार से पूछ लेता कि उपयोग की दृष्टि से उत्तम किस्म का कौन सा है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपका चेंज हो जाएगा। तो उपयोग की दृष्टि से अगर हम बात करें तो उपयोग की दृष्टि से जो उत्तम होता है, केवल देखो दोस्तों उत्तम के आगे उपयोग लग गया तो आपका आंसर भी चेंज हो गया। इन चीजों का आपको विश्वास रखना है, क्योंकि आप तो बात ही कर दो कि 78% मैग्नेटाइट में पाया जाता है, आप आंसर मैग्नेटाइट लगा दोगे, लेकिन क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है कि वो कह क्या रहा है। सबसे उत्तम किस्म का पूछ रहा है तो उस कंडीशन पर आपका मैग्नेटाइट दृष्टि से आपसे पूछ, आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, आपका उपयोग की दृष्टि से आपका उत्तम किस्म का जो लौह अयस्क है वो तो आपका कौन सा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब आप देखिए क्यों ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा इसलिए दोस्तों कि आपने देखा होगा बर्तन जो होते हैं वो आपके किसके उत्तम होंगे, आपके या तो तांबे के होंगे या फिर आपके कांसे के होंगे। पहले तो इनमें ही आपका यूज किया जाता था, मतलब अगर हम देखें कि उत्तम बर्तन किसके होते हैं, तांबे और कांसे के होते हैं, लेकिन ये आपका महंगा पड़ता है। अब आजकल कौन बनाता है बताओ, है ना, नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि ये आपके बहुत, इनका प्रोसेस है निकालने का वो बहुत महंगा है और धातु भी महंगी पड़ती है। उत्तम तो बन जाएंगे ऐसे, तो सोने के भी आपके बनते हैं बर्तन, तो चांदी के भी बनाए जाते हैं, लेकिन क्यों नहीं बनाते, वो आपके महंगे हैं, उपयोग नहीं कर सकते हो आप इनको, अफोर्ड नहीं कर सकते हो। और दूसरी चीज, हमारे यहाँ इनका उत्पादन बहुत कम होता है, ठीक है, लेकिन स्टील का आपका उत्पादन जो होता है वो आपका आसानी से हो जाता है और बहुत सरल पड़ता है। और हमारे यहाँ आपके स्टील की काफी सारी खाने भी हैं लोहे की, जिससे हम स्टील बनाने का जो प्रोसेस है वो आपका बहुत सिंपल है बनाते हैं। सेम वही बात है कि हमारे यहाँ मैग्नेटाइट के आपकी खान ही नहीं है, है ना। होता तो उत्तम किस्म का है, कोई बहुत कम जगहों पर आपका क्या मिलता है, आपका कि मैग्नेटाइट अयस्क मिलता है, तो हम इसका प्रयोग क्यों करेंगे जब आपका बहुत कम मिलता है। तो मिलता ही नहीं है तो कहाँ से आप निकालोगे लोहा, और कहाँ से आप उत्तम किस्म का आपका लोहा प्राप्त करोगे। लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो है वो आप हेमेटाइट किस्म का आपका लोहा पाया जाता है, जैसे आपके उड़ीसा, रानीगंज, बिहार, झारखंड, इधर की साइड बहुत सारी खान है, आपका हेमेटाइट अयस्क आपका प्राप्त किया जाता है, और वहां से हम आसानी से आपका लोहा प्राप्त कर लेते हैं। और इसी से हम लोहा प्राप्त करेंगे, क्योंकि ज्यादातर हमारे इंडिया में तो आपका हेमेटाइट ही मिलता है ना। ये तो कह सकते हैं उपयोग तो हम इसी का कर, उपयोग की दृष्टि से जो वो आपका कौन सा, आपका हेमेटाइट अयस्क होगा, तो आपका कौन सा होगा दोस्तों, आपका। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे घटिया भी देख लेते हैं जब आपने सबसे बढ़िया देख लिया तो देखिए सबसे उत्तम किस्म का तो हो गया आपका, घटिया तो यही होगा जो झूठा और, तो आपके सबसे घटिया किस्म का जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो तो आपका कौन सा होता है, आपका जिसमें सबसे कम मात्रा होगी लोहे की, सबसे घटिया किस्म का जो होता है वो आपका कौन सा हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, राइट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमने दोस्तों आपके पूरी चीजें कवर कर ली कि आपके लौह कौन से होते हैं, इनसे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, अब हम आपके लौह की प्राप्ति करते हैं दोस्तों, कि लोहा आपका किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, अपने पास में सबसे पहले क्या था, एक तो हम अयस्क लेंगे, ठीक है, क्या लेते हैं आपका, अयस्क लेते हैं। ठीक है, अयस्क के साथ में दोस्तों इस अयस्क को क्या करेंगे भाई, पहले तो हम इनको दो झाग पिलवन वगैरह जो होती हैं चुंबकीय पृथक्करण, थोड़ी बहुत जो मोटी मोटी अशुद्धियां हैं उनको तो निकाल लेते हैं, लेकिन जो अंदर फंसी हुई आपके जो इनके साथ में अंदर आपके इंटरनल कांटेक्ट में जो अशुद्धियां रहती हैं उनको तो गर्म करके निकाला जाएगा। और गर्म करने के लिए इसको भट्टी में डालना पड़ेगा, और भट्टी में डालेंगे तो पिघला भी चाहिए और पदार्थ मिलाने पड़ेंगे जिससे पिघल जाए, है ना, गल जाए। तो उस भट्टी में हमने अयस्क को उठाया,
और अयस्क के साथ दोस्तों हमने आपका इसमें क्या डाला, कोयला डाला, और कोयले के साथ हमने क्या डाला दोस्तों इसमें आपका फ्लक्स डाला, ठीक है, फ्लक्स डाला हमने, और इन तीनों चीजों को आपका मिला के हमने दोस्तों कौन सी भट्टी में आपका डाल दिया, हमने आपका भट्टी में डाल दिया मेरे प्यारे दोस्तों, एक भट्टी ली हमने, जिस भट्टी को हम बोलते हैं आपका बात्या भट्टी, कौन सी भट्टी कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, बात्या भट्टी, और इसी को आपका दमन भट्टी भी बोलते हैं, और ये तो निम्मी भाषा में दमन बोल दिया, ठीक है, निम्मी भाषा में क्या बोल दिया मेरे प्यारे दोस्तों, दमन भट्टी बोल दिया हमने, ठीक है। और अगर हम बात करें इंग्लिश में तो इंग्लिश कास्ट फर्न, ठीक है, इस भट्टी के अंदर हमने इसको आपके अयस्क को पिघलाया। लेकिन देखो आपके अगर 2 किलो आपने क्या लिया है दोस्तों, अयस्क लिया है, तो 4 किलो कोयला लेना पड़ेगा और 1 किलो आपको फ्लक्स लेना पड़ेगा। फ्लक्स का गालक का आग में थोड़ा इसीलिए हम इसमें फ्लक्स मिलाते हैं, ठीक है। इस भट्टी में डालने के पश्चात इसमें से कुछ अशुद्धियां आपके दूर हुई दोस्तों, तो हमने देखा कि आपका जो लोहा था यहां पर, जो हमें दोस्तों लोहे की प्राप्ति हुई वो आपके कितनी हो गई मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर आपके 94% से लेकर आपके 96% तक आपका क्या हो गया दोस्तों, 90% आपको लोहा की प्राप्ति हो गई, ठीक है। अब लेकिन दोस्तों इसमें हमने देखा कि 90 मतलब अभी 4% की आपकी अशुद्धियां हैं, तो हमने जब इसके पार्ट बनाना ना तो इसको पीट पा रहे थे, पीटते ही आपके टूट रहा था, अब टूट गया पा रहा था क्योंकि वेल्डिंग नहीं हो रही थी इस पे, क्योंकि अशुद्धियां आपके 4 से 6%, तो दोस्तों इसके हम किसी भी प्रकार के पार्ट बनाने के लिए उपयोग में नहीं लेते। हालांकि इस प्रकार इसके पार्ट बनाए जा सकते हैं, है ना, बट लेकिन आपके ये नंबर के हिसाब से मिलता है मार्केट में, 1 से लेके 6 नंबर होता है, वो हम आगे प्रोसेस देखेंगे क्या होता है। फिलहाल दोस्तों इसका अपन कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग करने लग गए, तो इसको हमने आपका पिग आयरन बोल दिया, क्या बोल दिया मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हमने पिग आयरन या फिर आपका कच्चा लोहा नाम दे दिया, आप पढ़ते हो कच्चा लोहा, ढलवा लोहा और पिटवा लोहा, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए यहाँ से आगे अगर हम बात करते हैं, तो कच्चा लिया और आपको संतुष्ट भाई इसमें अभी ये अशुद्धियां यहाँ रह गई, तो इनको दूर करने का और क्या उपाय कि भाई यहाँ 1500 पे गर्म किया तो एक बार 1800 गर्म करके देख लो, है ना, तो अगर हम ज्यादा गर्म करेंगे तो आपके सल्फर ऑक्सीजन वगैरह आपके आपस में सल्फर डाइऑक्साइड बना के बाहर निकलेंगे, कुछ आपका कार्बन होगा वो आपके ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके CO2 बना के बाहर निकलेगा, है ना। इस प्रकार से उठाया, किसको उठाया दोस्तों, आपका कच्चे लोहे को उठाया, किसको उठाया है हमने आपका प्यारे दोस्तों, आपके कच्चे लोहे को उठाया। अब यहाँ पर अयस्क के स्थान पर क्या होगा दोस्तों, कच्चा लोहा होगा, अयस्क से केवल आपका कच्चा लोहा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया आपका कच्चा लोहा लिया, ठीक है, और कच्चा लोहा के साथ में फिर हमने वही कोयला और आपके फ्लक्स का प्रयोग किया मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, इसमें हमने फ्लक्स का प्रयोग किया और इसको हमने एक भट्टी के अंदर डाल दिया मेरे प्यारे दोस्तों। वो भट्टी कौन सी थी आपकी, उस भट्टी को हम बोलते हैं आपका क्यूकोला भट्टी जाता है मेरे प्यार भट्टी, ठीक है। इस भट्टी के अंदर हमने इसको डाला और डालने के पश्चात हमने देखा तो जब हमने ज्यादा गर्म किया तो हमारे में हुआ आपके यहां पर 96% से लेकर दोस्तों 98% तक हमारा शुद्ध हो गया, मतलब अभी भी आपके 2% बाकी रह गई थे पीट कर पीट कर पार्ट नहीं, लेकिन गर्म किया, पिघलाया और पिघलाने के पश्चात डालते हैं तो वो आपका उसी रूप में ढल जाता था, ठंडा होने के बाद हम कह सकते हैं आपके यहाँ पर इसके जो पार्ट हैं वो ढलाई करके बनाए जा रहे थे, इसीलिए इसका नाम हम दिया दोस्तों का कौन सा,
इसका नाम रख दिया आपका डलवा लोहा। कौन सा नाम रख दिया दोस्तों? इसका नाम रख दिया हमने आपका डलवा लोहा। ठीक है, जिसे हम सीआई या कास्ट आयरन के नाम से जानते हैं प्यारे दोस्तों, तो अपन कास्ट आयरन बोल देते हैं। ठीक है, क्यों बोला आपको समझ में आ गई होगी? क्योंकि पार्ट नहीं बनाए जाते, पार्ट बनाते हैं, इसीलिए इसका ढलवा लोहा का। अब दोस्तों हमारे पास किसी दिक्कत तो ये रहेगी कि भाई 2% अशुद्धियां क्यों हैं, इसको गर्म करते हैं, और ज्यादा गर्म करेंगे तो और ज्यादा शुद्ध हो जाएगा, आपकी अशुद्धियां दूर रहेंगी। यहां से दोस्तों हमने किसको उठाया? आपका कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का एक प्रकार, इनमें भी आपके अलग अलग और उस डलवा लोहा को हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ आपके श्वेत डलवा लोहा को लेते हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, डलवा लोहा, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, वही आपका कोयला मिलाया जाता है, और कोयले के साथ फ्लक्स के रूप में आपका चूना पत्थर मिलाया जाता है, चूना पत्थर या कोक, इसको आपके इसके साथ में मिलाकर और आपके एक भट्टी में डाल दिया जाता है दोस्तों, और उस भट्टी का नाम है आपका पुंडलिंग या फिर आपके परावर्तनी, कुंडलिंग या फिर आपके परावर्तनी। ठीक है, इस भट्टी के अंदर दोस्तों हमने इसको डाला, और इसको जब हमने गर्म किया, बची हुई वो भी, और जब हमें लोहे की प्राप्ति हुई, तो हमने जब उसकी क्वालिटी चेक की, तो हमें आपके 99.85% आपका लोहा प्राप्त हो गया। मतलब दोस्तों अब केवल आपके 0.02 से लेकर आपके 0.15% अशुद्धियां रहेगी। अब 100% ये आपका है ना, तो अब आपका ये आपका सबसे शुद्धतम रूप, मतलब इसमें जो कार्बन था वो आपका और बाहर निकल गया, और इसमें से जैसे जैसे आपका कार्बन बाहर निकला है ना, तो हम इसको पीट पर, मतलब इसके पतले तो आपके पीट कर हम क्या करते थे, खूब रहे थे, मतलब पीट कर बना रहे थे, इसीलिए इस लोहे को आपका क्या कहा जाता है दोस्तों, पिटवा लोहा कहा जाता है, मतलब इसको हम बोल देते हैं आपका रॉट आयरन। तो क्या कह दिया जाता है दोस्तों, आपका रॉट आयरन कह दिया जाता है, जिसे हम WI के नाम से जानते हैं। और क्या बनेगा यहां से, अब बनेगा तो में भी पूछा गया है, तो काफी बार आप डीआरडीओ में भी पूछा है, लोहे का सबसे शुद्ध रूप आपको दिख रहा है कौन सा है? ठीक है, ये आपका क्या होता है दोस्तों, सबसे शुद्धतम रूप होता है आपके लोहे का, पिटवा लोहा शुद्धतम रूप। तभी तो आपके पानी के जो पानी में निर्माण करते हैं, आपके किसका प्रयोग किया जाता है, आपका व्हाइट कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है, आपके क्रेन के हुक्स होते हैं इसके बाद। यहाँ पर आपके क्या है, सबसे ज्यादा अशुद्धियां हैं, तो इसमें हम कह सकते हैं दोस्तों आपका सबसे घटिया किस्म का आपका लोहा होता है, सबसे घटिया किस्म का लोहा होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो बात रही आपके किसकी, आपकी लोहा की। और इससे पहले हमने क्या देखा था, आपका लोहा एस्क देखे थे है ना, और उसमें से हमने कौन सा आया, क्योंकि भाई जो हमारे पास अवेलेबल होगा, तो यहाँ पर आपका क्या है, सबसे ज्यादा हेमेटाइट आयस्क का प्रयोग करते हैं, 2:4:1 में आपका मिलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 2 किलो अगर आयस्क ले रहे हो, तो 4 किलो क्या लोगे आप, कोयला, और 1 kg क्या लोगे आप दोस्तों, आपका फ्लक्स लोगे। ठीक है, सेम यही प्रोसीजर वही रहता है। कच्चा लोहा प्राप्त किया तो हमने किससे, आपका आयस्क से, और आपके कच्चे और डलवा लोहा से हमने क्या प्राप्त किया दोस्तों, आपका पिटवा लोहा। ठीक है, एक सर्किल आते, ठीक है दोस्तों, चलो बाद हमें आप टेस्ट भी देखना है कि आपके स्टील कहाँ से आती है। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा यहाँ पे, कि आपके लोहा और स्टील में अंतर क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि लोहा और स्टील में अंतर क्या होता है, क्या आपके लोहे के और स्टील के अयस्क अलग अलग होंगे? कि भाई जैसे लोहे के तो अयस्क लिए, तो क्या आपके स्टील के अयस्क जो होंगे वो आपके क्या होंगे?
अयस्क होंगे वो क्या अलग होंगे, है ना। तो हमारे पास में दोस्तों सबसे मेन चीज क्या है आपकी, कि लोहा और स्टील में आपके अंतर क्या है। हमारे पास ये है, सबसे पहले इन दोनों में आपके डिफरेंस कैसे करोगे। तो देखिए दोस्तों, आपके अगर हम बात करें तो आप देखो यहाँ पर ये कोई आपका लोहे का आपका पिंड है और ये आपका स्टील का पिंड है। अगर इनकी आंतरिक संरचना देखी जाए तो इसमें आपका क्या होगा भाई, इसमें भी लोहा होगा और आपके कार्बन होगा। मुख्य रूप से आपके दो कण पाए जाते हैं, एक लोहा और एक आपका कार्बन। तो आपके लोहा और कार्बन तो स्टील में भी पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। देखो लोहे से ही स्टील बनाई जाती है, स्टील क्योंकि दो ही धातु, तो आपके जो स्टील के अयस्क हैं वही आपके किसके होंगे, लोहे के अयस्क होंगे, क्योंकि हमने लौह धातुओं के अयस्क पढ़े हैं। तो देखो वैसे तो मुख्यतः कोई अंतर नहीं है कि आपका लोहा प्लस कार्बन, इसका भी आपका आंतरिक जो संरचना है वो इससे मिलकर बनी हुई होती है, और इसमें भी आपके लोहा और आपके क्या होगा दोस्तों, कार्बन होगा स्टील के में, ठीक है। तो हमारा अंतर कैसे होगा दोस्तों, वो होता है आपके कार्बन परसेंटेज पर। यदि आपका दोस्तों आपके 2% से आपका क्या है कम कार्बन है, ठीक है, कम कार्बन है तो आपका क्या कहलाएगा स्टील, और अगर आपके 2% से आपका क्या है आपका अधिक कार्बन है, ठीक है, अधिक कार्बन है तो उसको हम क्या कहेंगे आपका लोहा कहेंगे। बस इतना आवाज वगैरह इन सारी चीजों से आपका अंतर स्पष्ट कर लिया जाता है, लेकिन बेस तो आपका लोहा अंतर दोस्तों इतना सा होता है, 2% से अधिक कार्बन होगा वो लोहा और जिसमें 2% से कम होगा वो आपका स्टील, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।